मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ भोपाल के चार चरण में किए जा रहे प्रदेश स्तरीय आंदोलन के तहत शाखा खरगोन के वन कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा है। संघ के उपप्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र पाचोरे वन वृत्त खंडवा की उपस्थिति में खरगोन क्षेत्र के सांसद के प्रतिनिधि कल्याण अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर संघ की 20 सूत्रीय जायज मांगों को पूरा कराने के संबंध में अपनी बात शासन प्रशासन के नुमाइंदों तक पहुंचाने बाबत निवेदन किया। ज्ञापन का वाचन संघ के जिला मीडिया प्रभारी अजय गुप्ता द्वारा किया गया। इसके पश्चात खरगोन क्षेत्रीय विधायक के सुबीसी हॉस्पिटल स्थित कार्यालय पहुंचकर विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र जी जोशी को ज्ञापन प्रस्तुत किया। ज्ञापन का वाचन मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ भोपाल के उप प्रांतीय अध्यक्ष सुरेंद्र पाचोरे द्वारा किया गया। उनके द्वारा सरकार की वन एवं वन्य प्राणी एवं कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैया पर गहरी नाराजगी व्यक्त कर संघ की ताकत और एकता के और एकता से संबंधी नारे लगवाकर कर्मचारियों में जोश और उत्साह का संचार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। संघ भोपाल के प्रांतीय आह्वान पर जो वन कर्मचारी है उनकी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर एक चरणबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, तो उसी के तारतम्य में हमारे द्वारा प्रथम चरण में 14 फरवरी को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया था कर्मचारियों की मांगों को लेकर। उसके बाद में आज दिनांक 15 तारीख को द्वितीय चरण में हमारे द्वारा सांसद महोदय और विधायक महोदय को ज्ञापन दिया गया है, और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो तृतीय चरण में अगले माह में हम लोग हमारे जो बस्ते हैं और जो बंदूकें हैं वो जमा करके, और इसके बाद भी यदि आपकी मांगे मंजूर नहीं की गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा ये होगा कि हम लोग सभी पूरे कर्मचारी सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं उदय सिंह सिंगोरिया, वन कर्मचारी संघ अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।